हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सबको स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे न्यू और एक वीडियो में। और आज की वीडियो गाइस बहुत ही ऑसम टाइप होने वाली, क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूँ बेस्ट कॉन्फ्लिक ऐप, और वो भी आईफोन 11 का इतना पावरफुल जैसा, जिससे आप खेलने के बाद गाइस आपकी सारी क्लोज एंड लैक्स और बहुत सारे जिसके लो डिवाइस वो लोग अच्छे हाई क्वालिटी में नहीं खेल पाते, और इनका सपोर्टेड है गाइस बिल्कुल जो है स्मूथ एकदम मक्खन सा चलने लगेगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, और भाई लोग प्लीज़ यार जो भी चैनल पे न्यू हो ना यार बस सब्सक्राइब कर देना यार, और कुछ मत करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तभी लाइक करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है लाइक करने की। तो गाइस मैं आपको बताऊँ कि आईफोन देख लीजिए इसकी, मेरा देख सकते हो गाइस मैं बहुत सारे टूल अप्लाई करता हूँ। तो ये वाला आईफोन 11 प्रो का है गाइस, और जो कि बहुत पावरफुल है, इसे यूज़ करने के बाद गाइस आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये मैं खुद बोलता हूँ। और क्लोज रेंज के गाइस बहुत सारे जन की पिछले बार का वीडियो में आई थी कमेंट की गाइस मेरा क्लोज रेंज में बहुत लैग करते हैं, तो ऐसे होते हैं ऐसे कि जैसे हम लोग हॉट ड्रॉप लेते हैं गाइस तो उधर पे हमारा फ़ोन लैग होने लगता है बहुत सारे। तो गाइस ये ऐप उन लोगों के लिए, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज गाइस सब कुछ हो जाएगा, मतलब ऑल क्लियर अबाउट आपकी जो भी फ़ोन की प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो भी ना कोई बकचोदगी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने होम स्क्रीन पे, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस जो मैंने लिंक दिया है वो लिंक डाउनलोड कर लेना गाइस, बहुत ईजी है। तो डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको क्रोम में कुछ इस तरह का आएगा, तो चलिए सबसे पहले क्रोम ओपन करके दिखा देता हूँ आपको वहाँ से क्या करना है। जैसे कि क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड में गए तो ये दोनों टूल देंगे गाइस आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला आपका ऐप है जिसमें कॉन्फ्रेंस आप ट्राई कर रहे हैं, और ये हमारा आईफोन 11 वाला XR का है। तो गाइस इसको इसे ओपन करना है, और सबसे पहले आपको गेट अचीवर जो भी मांगेगा फाइल मैनेजर में, इसको फाइल मैनेजर में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको खोल लेना है, और इसको डायरेक्टली यहाँ पे कंप्रेस कर देना है, डिकम्प्रेस फाइल कर देना है गाइस यहाँ पे ओके करने का। बस डिकम्प्रेस हो चुका है गाइस, हमारा इतना काम हो चुका। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जो हमारा ऐप है इसको यूज़ करना है गाइस, इसको स्टार्ट करना है, एडिट कॉन्फिग पे जाना है। इस एडिट कॉन्फिग पे जाने के बाद एडिट बैकअप पे आना है गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गाइस देख सकते हो एडिट कस्टम, ये सब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे कि आपको पता है गाइस सबको, यहाँ से आपको इधर तक का क्लियर कर देना। तो गाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सो गाइस यहाँ से अपने को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने वाइज को कट कर लीजिए, और यहाँ पे डन कर दीजिए गाइस, इसको भी हम कट कर लेंगे, ओके डन सेव। सेव करने के बाद आपको क्या गाइस क्या करना है, सिंपल सा मेथड है, आपको जैसे सेलेक्ट कॉन्फिग पे आना है, और आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है गाइस। डाउनलोड वाले गाइस ऑप्शन में हम आ चुके हैं गाइस, ये रहा हमारा डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कॉम्पिटेटिव कॉन्फिग लिखा हुआ है, और यहाँ पे आईफोन 11 वाला लिखा है, देखिए गाइस आईफोन XR अपडेट वाला है ये, इसको अपने को करना है। इसके अंदर जाना है गाइस, और इसके बाद कॉन्फिग XR में जाना है गाइस। उसके बाद इसमें आपको कितना FPPS का है गाइस उसको सेलेक्ट कर लेना है, आपको जितना गाइस जितना लो डिवाइस है उनका लो में सेलेक्ट करेगा तो अच्छा रहेगा, जो उससे हमारा फ़ोन बहुत ये स्मूथ चलने लगेगा। सही में बोल रहा हूँ गाइस, तो आपका हाई है तो गाइस अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि मेरा 480 का पिन रहता है, कर लिया गाइस। वहाँ पे क्लासिक कलर कौन सा है गाइस, कलरफुल रखने का है तो क्लासिक कलरफुल कर दिया। अप्लाई होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से सेलेक्ट कॉन्फ्लिक पे आना है। कॉन्फ्लिक पे आने के बाद गाइस आपको फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है, उसके बाद फिर से वही वाले ऑप्शन में जाना है XR पे, उसके बाद सेकेंड करना है, सॉरी गाइस, उसके बाद ये गाइस ये रहा इस पे आना है गाइस, और उसके बाद कॉन्फ्लिक हो गया गाइस कॉन्फिग XR गाइस आईफोन 11 सेटिंग्स। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से गाइस सेम सेटिंग अप्लाई करना है। इतना होने के बाद आपको अगेन गाइस एक लास्ट टाइम आपको क्या करना है, सॉरी ये बार बार स्किप करना ऐड आ रहा है गाइस, नेट ऑन रहता है मेरा इसके लिए प्रॉब्लम होती है। सो गाइस आपको क्या करना है, फिर से आपको आ जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और आईफोन XR अपडेट में आ जाना है गाइस। यहाँ पे आना एक्टिव से लिखा रहेगा गाइस, तो इसके ये हमारा मेन है गाइस, इसको सेलेक्ट करना आप कितना FPPS पे खेलते हो, 60 FPPS सब लोग खेलते हैं तो 60 FPPS कर देना, और एक्टिव से को ओपन कर देना गाइस। उसके बाद हम हो चुका है हमारा सेटिंग सारी प्रॉब्लम, उसके बाद सीधा आपको गेम रन करके दिखा देता हूं गाइस। तो यहाँ पे गेम रन करने के बाद यहाँ पे आपका PUBG सीधा स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अपने को PUBG स्टार्ट कर लेना है, तो गाइस यहाँ पे PUBG में थोड़ा सा
ये कर लेते हो गाइस। देखिए फटाक से हमारा पबजी स्टार्ट हो चुका है, और जिन लोगों का गाइस जियो का ऑप्शन है, जिन लोगों का नहीं होता, वाईफाई पे जाना पड़ता है गाइस, उनके कमेंट कर देना गाइस, अगर कोई जियो यूजर है जिन लोगों का ने चालू नहीं होता नेटवर्क से, जियो से नेट वाईफाई लगता है उन लोगों के लिए चालू होने के लिए, तो गाइस उनका भी उसकी भी वीडियो बना दूंगा गाइस, कमेंट डाउन में आप लिख देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का ब्लड टाइप आएगा गाइस, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, और थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद हमारा सब फिक्स हो जाएगा, और ग्राफिक देखे गाइस अपने जस्ट एक सेटिंग के हिसाब से वो सब अप्लाई कर देता है। तो गाइस देखिए मेरा कुछ इस तरह का है, तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आए तो गाइस आपको बताया था पसंद आएगा ही, और आपको बेस्ट फोन गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Oh,